अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल तो देख लिया होगा, समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को जो यूट्यूब है वो कितने व्यूज़ के कितने पैसे देता है। ये बहुत सारे यूट्यूबर के साथ मसला आता है, जो बहुत सारे यूट्यूबर के माइंड में ये बात होती है कि जो पता नहीं जो यूट्यूब के ऊपर बंदा चैनल बना के काम कर रहा है तो वो पता नहीं कितने पैसे कमा रहा है, उसकी इनकम क्या होगी। काफ़ी सारे जो है ना नए यूट्यूबर्स को ये जो है ना जानने की बहुत ज़्यादा होती है कि हम देखें कि ये बंदा कितने पैसे कमा रहा है और इसके कितने व्यूज़ के ऊपर इसको कितने पैसे मिल रहे हैं। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हो कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को जो है ना कितने पैसे मिलते हैं, 1 मिलियन व्यूज़ के या 1 लाख व्यूज़ के या 1000 व्यूज़ के, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को इंटरेस्ट से देख सकते हैं और इस वीडियो में मैं आप सभी के डाउट्स क्लियर करूंगा कि पाकिस्तान में जो यूट्यूब्स है वो कितने पैसे देता है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को, जो पाकिस्तानी करेंसी में चेंज होकर हमें मिलते हैं उसकी हमें जो इनकम है वो क्या मिलती है। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि मैंने अपनी जो फर्स्ट इनकम थी वो मैंने विदड्रॉ कराई थी, तो इतना तो मुझे अंदाजा हो गया था कि यूट्यूब के ऊपर कि हमें जो यूट्यूब है वो कितने भी उसके कितने डॉलर देती है। पहले भी जो है ना मुझे अच्छे खासे जो है ना इनकम हुई थी, पहले जो की थी मैंने, तो उसमें ये हुआ था कि तब मैंने विदड्रॉ नहीं थी कराई, इसलिए मैंने सोचा जब तक मैं विदड्रॉ नहीं कराऊंगा तो तब तक मैं वीडियो आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। तो अभी आपने लास्ट वीडियो देखा था कि मैंने यूट्यूब की जो अर्निंग थी वो मैंने विदड्रॉ करवा ली थी, मुझे मिल गई थी। तो मैंने सोचा चलो अपने फ्रेंड के साथ ये डाउट क्लियर करते हैं और इनके जो माइंड में ख्याल आते हैं कि जो पैसे हैं वो हमें कितने यूट्यूब देता है, कितने व्यूज़ के कितने पैसे देता है, तो वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यूट्यूब के ऊपर व्यूज़ के पैसे नहीं होते, ठीक है। आप बोलेंगे बिलाल भाई ये क्या बात, व्यूज़ के पैसे क्यों नहीं होते। यूट्यूब के ऊपर जो एक फंडा है वो आपको समझना होगा, यानी कि देखें कि यूट्यूब के ऊपर हमें अर्निंग होती है एडसेंस के थ्रू, ठीक है। जो हमारे चैनल के ऊपर एड्स आती हैं, यानी कि कमर्शियल आती हैं, जिन्हें आप बोलते हैं मशहूरियाँ आती हैं, उनके हमें जो है ना वो पैसे मिलते हैं, ठीक है। अगर तो हमारे जो चैनल के ऊपर तकरीबन 10,000 व्यूज़ आया और 10,000 व्यूज़ के ऊपर ही जो ना ऐड चली हैं, तो हमारी जो अर्निंग है वो अच्छी खासी जनरेट हो जाएगी। तो अगर हमारे 10,000 व्यूज़ आए हैं लेकिन हमारी वीडियो के ऊपर एक भी ऐड नहीं चली, तो हमारी जो अर्निंग है वो हमें जीरो भी नहीं होगी। तो ये है कि जब तक आपकी आपने ये देखना है, कुछ लोग मैंने देखे हैं कि जिनके जो ना लाख लाख व्यूज़ होते हैं लेकिन उनको पाकिस्तानी जो अर्निंग है बहुत भी मिले तो उनको 5,000-10,000 इतनी उनको मिलती है। यानी कि देखा जाए ओवरऑल इसमें ज़्यादातर रोल होता है आपकी जो वीडियो के ऊपर ऐड चलती हैं उसके थ्रू आप जो ना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी अर्निंग जो ना बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है। तो इसमें सब्सक्राइबर का भी रोल है, अगर सब्सक्राइबर होंगे आपके व्यूज़ आएंगे तो ही तो आपकी वीडियोज़ के ऊपर ऐड चलेंगी, ठीक है। इन सभी चीज़ों में आपको व्यूज़ आना ज़रूरी है, अगर व्यूज़ आएंगे तो ही सब्सक्राइबर आएंगे ना। तो कोशिश आप यही करें कि आपकी जो वीडियो हो वो आप एक अच्छे तरीके से बनाओ ताकि जो एडवर्टाइज़र है वो आपकी वीडियोज़ के ऊपर ऐड लगाएँ, ठीक है। तो ये तो आपके बाद में क्लियर होगी कि बाद में मैं आपको बताता हूँ कि लाइव जो ना प्रूफ कि मैं अपने जो पिछले जो 2 मंथ की मैंने अर्निंग की थी उसमें मुझे 1,000 व्यूज़ के भी मुझे 1 डॉलर मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये डॉलर आपको 1,000 व्यूज़ का जरूरी नहीं कि मुझे 1,000 मिला है तो आपको भी 1,000 मिलेगा, नहीं, आपको कम भी मिल सकता है ज़्यादा भी मिल सकता है। और अभी आपको बता दूँ कि जो हमें यूट्यूब की अर्निंग होती है ना वो हमें होती है तकरीबन जो टॉप कंट्रीज़ होती हैं ना, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऐसा इंग्लैंड वगैरह ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यानी कि जितने यूरोप कंट्री है ना, अगर हमारी वीडियो इन कंट्री को टारगेट करती है ना तो इनमें चलते हैं हाई सीपीसी वाले एड्स, यानी कि हमारी अर्निंग जो है ना वो देखी जाती है कि हमारे जो एड्स हैं वो किस कंट्री में ज़्यादा चाह रहे हैं, हमारी ऑडियंस कहाँ की है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हमारी ऑडियंस ज़्यादातर बाहर की है, बाहर कंट्री की है, तो हमारी जो सीपीसी होती है पर क्लिक रेट वो हमारा हाई मिलेगा हमें, ठीक है। तो आप कोशिश यही करें कि जो आप वीडियो बनाते हैं वो आप जो ना अच्छे कंट्री को टारगेट करके बनाएं। अगर हम बात करें अपने पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में अगर हमें एक वीडियो को 10,000 व्यूज़ आ गया ना, तो अगर हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस है तो हमें उसके बहुत भी ज़्यादा डॉलर मिलेंगे ना, तो 2 या 1.5-2 डॉलर मिलेंगे, ठीक है। अगर वही 10,000 व्यूज़ हमारे आउट ऑफ कंट्री के होंगे, यूरोप कंट्री के होंगे, तो हमें 10,000 व्यूज़ के 10 डॉलर, 15 डॉलर, 20 डॉलर भी मिल सकते हैं। और मैंने खुद जो ना अपने वीडियोस में देखा है कि मुझे 15,000 व्यूज़ के ऊपर 16 डॉलर मिले हैं, यानी कि मुझे 1,000 व्यूज़ के ऊपर 1 डॉलर मिल रहा था, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो ना वो बाई कंट्री से थी। वो भी मैं आपको लास्ट में स्क्रीन शॉट दे दूँगा, अपनी जो अर्निंग थी मैंने जो की थी उसके, मैं आपको जो मेरी टॉप वीडियो थी जिनके ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आए थे वो मैं आपके साथ शायद मैं शेयर कर दूँगा, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ,
ठीक है, तो ये कोई नहीं कह सकता कि आपको 1000 व्यूज का $1 मिलेगा या आपको 10000 व्यूज के $10 मिलेंगे। ये आपके डिपेंड करता है कि आपकी वीडियोस किस लिहाज से है, कंट्री को टारगेट कर रहे हो तो आपकी वीडियो कहाँ देखी जा रही है, बस इसी चीज़ का जो ना मेन मकसद है। अगर आपकी वीडियो के ऊपर हाई CPC वाले एड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो अर्निंग है वो ज़्यादा जनरेट होगी। अगर आपके CPC वाले लो एड्स आ रहे हैं तो आपकी अर्निंग जो ना कम होगी। अगर आपके एड्स ऐसे कंट्री में चाह रहे हैं एशियन कंट्री में, तो भी आपकी अर्निंग कम होगी, ठीक है। फिर आपको बहुत ज़्यादा व्यूज़ के ऊपर बहुत कम डॉलर मिलेंगे, यानी कि अगर आपके लाख व्यूज़ भी आ रहे हैं तो आपको उसके ऊपर $20-25 मिलेंगे। अगर वही लाख व्यूज़ आपके आउट ऑफ कंट्री से आ रहे हैं तो आपको उस लिहाज से $100, $150, $200 तक भी मिल सकता है। तो आई होप के फ्रेंड्स आपको ये चीज़ की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि YouTube के ऊपर सारा जो खेल है वो आता है आपकी एड्स का, और आप किस कंट्री को टारगेट कर रहे हो ICPC एड्स का। उसके बाद आता है कि अगर आपकी एड चलेंगी तो आपकी अर्निंग जनरेट होगी, जितनी ज़्यादा एड्स आपकी वीडियो को पढ़ाएंगी उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी, ठीक है। ये व्यूज़ पर डिपेंड नहीं करता, ये एड्स पर डिपेंड करता है, यानी कि व्यूज़ ये डिपेंड करते हैं कि अगर आपकी व्यूज़ लेके आएंगी वीडियोज़ तो ही आपकी एड भी ज़्यादा चलेंगी ना। तो कोशिश यही करें कि आप अच्छे वीडियोज़ बनाएं ताकि एडवर्टाइजर फ्री वीडियो उनके ऊपर एड ज़्यादा लगाएं और आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सको। इसमें कोई भी किसी पक्का नहीं प्रूफ के हाँ हमें 1 मिलियन व्यूज़ के हमें इतने पैसे मिलेंगे, या हमें 10000 व्यूज़ के इतने पैसे मिलेंगे, या हमें जो ना 1000 व्यूज़ के इतने पैसे मिलेंगे। ये अप डाउन होते रहते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ के लिए टेंशन लेनी, अगर आपकी एक दफ़ा वीडियोज़ चलती हैं तो फिर आपकी अर्निंग भी अच्छी खासी हो जाती है। तो बस फ्रेंड्स आज की यही वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।